हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक वर्मा। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने लास्ट कोर जो पब्लिश किया था वो था रेविट आर्किटेक्चर विद एंडस्केप विद वीरे। वो कोर्स अभी फिनिश हो गया है, तो अभी स्टूडेंट्स की काफी डिमांड थी कि सर इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई कोर्स लेके आए। ऐसा कोर्स जो 2 से 3 साल में कॉलेज में सिखाया जाता है उसको हमें सिखाएं, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। वो है डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग। वो कोर्स करवाएंगे आपको प्रियंका मैम, जो बीएससी इंटीरियर डिजाइनर है और इस फील्ड में काफी काफी वक्त से काम कर रही हैं और लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रही हैं। तो उसके अंदर जो जो हम आपको सिखाएंगे उसके बारे में आपको प्रियंका मैम बताएंगी। तो अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कोर्स के बारे में। तो जो कोर्स हमने लॉन्च किया है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, जो हमारी ऐप के ऊपर अभी अपलोड हमने कर दिया है। बट ये लाइव क्लासेस है, इसमें कंटेंट आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा। कंटेंट के लिए अभी आपको सिर्फ मटेरियल्स मिल पाएंगे। यहाँ पे जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं, एनवायरमेंटल लाइब्रेरीज हैं, HDRI इमेजेस है, IES लाइट्स है, टेक्सचर्स हैं, और जो भी आपकी वीरे की वैल्यूज वगैरह हैं, या फिर इससे अलग कुछ भी, जितने भी आपका मॉडल्स रहेंगे और जो भी कोर्स कंटेंट रहेगा वो टाइमली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा जैसे ही कोर्स स्टार्ट होगा। जो हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 15 दिसंबर को, जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स है। लाइव क्लासेस रहेंगी, 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहेगी, 8 PM to 9 PM जो इसका टाइमिंग रहेगा, इंडियन टाइम है 8 PM to 9 PM। ऑटो कैड एंड 3DS मैक्स एंड वीरे, 3 सॉफ्टवेयर इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको सॉफ्टवेयर्स नहीं आएंगे तब तक आप ओनली थ्योरी से काम नहीं चला सकते। तो आप जब थ्योरी पढ़ेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे, तो उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर। 55 to 60 सेशंस रहेंगे हमारे, अप्रोक्स आपका 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स तक आपका ये चलेगा कोर्स। सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन, और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो भी रेडी करवाया जाएगा। उसके लिए जो सब हमने जो इसका रेट रखा है, ये 80,000 के अराउंड आपका कोर्स है, बट जो हमने रेट रखा है वो ओनली 4999 का रेट रहेगा। हम जो स्टूडेंट लेंगे वो 20 to 25 स्टूडेंट्स ये कोर्स के अंदर रहेंगे। फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ही ये आपका रेट है, उसके बाद ये रेट इंक्रीज हो जाएंगे। क्लासेस स्टार्ट होगी 15 दिसंबर से, और उसके बाद यहाँ पे सारा कंटेंट आपका अपलोड होगा। जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस रिकॉर्ड की जाएंगी और यहाँ पे आपकी अपलोड की जाएंगी, और जितना भी आपका डेली की क्लासेस रहेंगी वो पूरा कोर्स कंटेंट भी 15 दिसंबर से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके बाद हर एक क्लासेस के नोट्स जो होंगे वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और डेली आपकी क्लासेस प्रियंका मैम जी लेंगी। अब थोड़ा सा मैं प्रियंका मैम से गुजारिश करूंगा, वो भी हमारे साथ हैं, वो आए, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे आपको और आपको पूरा कोर्स कंटेंट बताएंगी कि बेसिकली इस कोर्स के अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करने वाले हैं और क्या क्या इसके अंदर बेसिकली होने वाला है। तो प्रियंका मैम। हाय गाइस, माय नेम इज प्रियंका भारद्वाज और मैं एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर हूँ और 2015 से मैं सेम इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। और हम लोगों ने आपके लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है इंटीरियर डिजाइनिंग का, जो मैंने खुद 3 साल की डिग्री के बाद करा है। तो उसी का एक छोटा 50 to 55 सेशंस का कोर्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए लॉन्च करा है। एक छोटी सी कोशिश है उन बच्चों के लिए जो लोग डिजाइनिंग के फील्ड में आना चाहते हैं और उनको नहीं समझ में आता कि वो कहाँ से शुरू करें। तो मैं आपको बताऊंगी वो वाले कोर्सेज जो 3 3 साल या 4 4 साल की डिग्रीज के बाद मिलते हैं, उनका एक छोटा सा मिनिएचर हम लोगों ने तैयार किया है आप लोगों के लिए। और कुछ कंटेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि हम लोग इस कोर्स में आपको क्या क्या देने वाले हैं। थैंक यू। सो वी स्टार्ट इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स कंटेंट अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग। तो इसके अंदर वो कंटेंट्स हैं जिससे आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग ही काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। जिनको आती है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आती है उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा जो स्टार्टिंग से इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में है उसी लोग वही लोग इसको परस्यू करें। जो लोग बिल्कुल जस्ट पास आउट हैं 12th से वो लोग भी कर सकते हैं, जिन्होंने BA BSc कर ली है वो लोग भी कर सकते हैं। आप लोग अपने कोर्सेज़ को या अपने करियर को किसी भी लाइन के बाद चूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैथ्स के फील्ड से हो गए सिर्फ तभी आ सकते हो, या फिर आप साइंस के फील्ड से हो सिर्फ तभी आ सकते हो। कोई भी बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है, कोई भी पर्सन एक्सपीरियंस वाला हो नॉन एक्सपीरियंस हो, हर कोई ले सकता है। तो वी स्टार्ट। प्रिंसिपल
ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या क्या हो सकती है हमारी? बैलेंस, एम्फेसिस, कंट्रास्ट, रिदम, स्केल एंड प्रोपोर्शन, हारमोनी एंड यूनिटी एंड डिटेल्स। तो इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? बैलेंस, सबसे पहली चीज़ बैलेंस, अगर जनरल वर्ड में भी हम बात करें तो हर चीज़ में हमारा बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक यू एंटर एनी ऑफ रूम और आप उस रूम में एंटर करते ही आपको ऐसी फीलिंग आए कि यार हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस है, कलर कॉम्बिनेशन उसके काफ़ी अच्छे हैं, या बहुत ज़्यादा लाउड कुछ भी नहीं लग रहा है, हर चीज़ इक्वल है, जितना जहाँ होना चाहिए उतना ही है, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी लगती है। आप भी कहीं जाते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि यार वहाँ ना ये वाली चीज़ बहुत अच्छी थी। तो सेम चीज़ है, जब आप बैलेंस किसी चीज़ में बना के रखते हैं तो वो चीज़ ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी लगती है। तो डिज़ाइनिंग का सबसे पहला रूल है कि आपकी हर चीज़ इक्वल और बैलेंस होनी चाहिए। सेकंड, एम्फेसिस एंड फोकस। फोकस प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग का एक ऐसा पार्ट है कि फोकस से मतलब ये है कि आप जैसे मानो आपने कोई फूड आउटलेट डिज़ाइन किया है, तो आपका जो पूरा का पूरा फोकस है आपका फूड के ऊपर है, आप हर चीज़ उसके थीम के हिसाब से लेके चलते हैं। जैसे यार बर्गर का आउटलेट है तो आपका फोकस रहेगा कि यार बर्गर से रिलेटेड चीज़ें आप उसमें लगाओ, या फिर आपका कोई थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है या आपका कोई कलर थीम है लाइक ब्लू और ग्रीन और समथिंग या ब्लैक एंड वाइट, तो आपका फोकस रहेगा कि आप उसी में फोकस रखें कि आपकी यार मेरी ना कलर थीम कहीं मिस नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ हम लोगों की इस चीज़ पर काउंट होती है। कंट्रास्ट, कलर कोऑर्डिनेशन हो या एलिमेंट्स हो या अरेंजमेंट्स हो, हर चीज़ का कंट्रास्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपके पहनने वाले कपड़े हों, चाहे आपका लिविंग स्पेस हो या फिर कुछ भी हो। जब तक आपका कलर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपके अरेंजमेंट कंट्रास्ट के हिसाब से नहीं होंगे, तब तक आपके डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। चाहे आपके वो कलर्स के ऊपर हो, डार्क और लाइट के ऊपर हो, आपकी रफनेस और स्मूथ के ऊपर हो, जैसे मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके काम आती है कंट्रास्ट में। उसके बाद आती है बारी रिदम की। रिदम इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट द विजुअल रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स। इसमें क्या चीज़ होती है, रिदम बने रहना, लाइक आपने कोई एक पैटर्न लिया है या एक कोई कलर स्कीम है जो आपके घर में कंटिन्यू चल रही है। लाइक आप एक बेडरूम डिज़ाइन करते हो तो जिस भी, चाहे आप उसके हैंडल्स हों, चाहे आप उसके लॉक्स हों, चाहे आपका वुडन में आपका कलर हो माइका का, लैमिनेट्स का, आप उसको कंटिन्यू चलाते हो, तो जिससे पता चलता है कि आपका जो कमरा है या आपका कोई भी स्पेस है वो एक थीम पे बना हुआ है, इट्स कॉल्ड रिदम। आपका हर चीज़ कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस चीज़ को बनाने के लिए। ये नहीं कि आपने कोई चीज़ ब्लू कलर है तो उसके बाद आपने फिर उसमें कोई एक ऐसा कलर मैच कर दिया या फिर कोई एक ऐसा टेक्सचर मैच कर दिया जो आपके कलर से बिल्कुल हटता हुआ है, आपके रूम से बिल्कुल हटता हुआ है, तो वो चीज़ आपका रिदम ख़राब कर देती है। दैट्स वेयर स्केल एंड प्रोपोर्शन, स्केल एंड प्रोपोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साइज़ का इंसान, हर छोटा बड़ा जैसा भी इंसान हो, उसके हिसाब से आपको स्केल पे आपके उसके उसके स्पेस को डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे कि जब भी आप किचन वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके उस किचन में काम करने वाला इंसान कौन सा है, या उसकी हाइट कितनी है, या उनके घर में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं जिनकी हाइट के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे स्केल और प्रोपोर्शन की बात ये है कि आपका जो घर है या फिर आपका कोई ऑफिस है या आपका कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट वगैरह की डिज़ाइनिंग है, उसमें ये चीज़ है कि हर चीज़ एक स्केल होता है, एक बेसिक स्केल्स होते हैं हमारे इंटीरियर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से बना होना चाहिए। मतलब कि इतना रिलेटेबल हो वो, कि ऐसा ना हो कि आपका एक सोफ़ा बहुत ऊंचा है और दूसरा आपने बहुत लोवेस्ट पे कर दिया। अगर लोवेस्ट ओके सो अगर आप लोवेस्ट पे फर्नीचर, लो हाइट का जो फर्नीचर होता है, अगर आप वो बनाते हैं तो आपको ऑल ओवर रूम या ऑल ओवर स्पेस को आपको लो हाइटेड के लिए काम करना पड़ेगा, और अगर आप नॉर्मल लॉन्ड्री पे बनाते हैं तो उस पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ आपकी बहुत लंबी है, कोई चीज़ आपकी बहुत छोटी हो गई, तो वो आपके स्केल और प्रोपोर्शन को ख़राब करती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डिज़ाइनिंग के काम पे आगे बढ़ना। उसके बाद आता है हारमोनी एंड यूनिटी। इसमें भी सेम चीज़ है, हारमोनी एंड यूनिटी का मतलब इतना ही है कि आपकी कोई भी चीज़ हो उसमें बैलेंस, आपके पैटर्न्स में कंटिन्यूटी, और आपकी हर चीज़ बहुत स्मूथ और बहुत सूदिंग होनी चाहिए, और उसकी वजह से आपके रूम्स अच्छे लगते हैं, या आपकी जब भी कोई चीज़ आप कलर बैलेंस रखते हो या आप शेप पे बैलेंस रखते हो
या किस कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है वो, जैसे टेक्सचर पे कंटिन्यू चलाना किसी चीज़ को, लाइक आप इस वॉल में देख सकते हैं कि एक पैटर्न है वो कंटिन्यू आप चला रहे हो, और ये सेकंड फर्स्ट वाली हमारी इमेज में हमारा कलर कंटिन्यू चल रहा है। अगर ग्रे कलर की आपने थीम है, ग्रे और वुडन पे, तो उस फोटो को देख के ये चीज़ पता चलती है कि हाँ आपने ग्रे वुड और वाइट में काम किया है, ठीक है। तो वो थीम है जो एक आपने पूरे कंटिन्यू अपने घर में चलाई है, तो हारमोनी और यूनिटी उसके हिसाब से काम करती है। डिटेल्स, फर्स्ट ड्राइंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको दिखाई देगी नहीं, क्योंकि वो इमेज जूम नहीं हो सकती, बट डिटेल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर एक चेयर है, चेयर पे डिटेल्स दे रखी है कि उसकी कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, कितनी मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में कितना पोर्शन होता है, आपका बैक रेस्ट कितना हाइट का है, आपके लेग्स कितने विड्थ में है, ये हमारी डिटेल्स ड्राइंग है। तो डिटेल ड्राइंग इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी डिटेलिंग आप दे पाएंगे उतना आप क्लाइंट को अपनी ड्राइंग समझा पाएंगे, ठीक है। लाइव स्पेस प्लानिंग, लाइव स्पेस प्लानिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये सारे का सारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ही चैप्टर है। इसके अंदर आप सीखेंगे कि आपकी हर चीज़, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपका कोई भी स्पेस है, आपको उसको प्लान करने के लिए स्पेस प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फर्नीचर के साइज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने घर के इक्वल साइज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, तो स्पेस प्लानिंग उसके हिसाब से काम करती है। मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को बहुत ग्लैमरस तरीके से बना दो, सूदिंग और कामफुल चीज़ें भी डिज़ाइनर्स का ही काम होता है। स्पेस प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितना आप स्पेस प्लानिंग अच्छी करेंगे आपका घर, आपका स्पेस उतना ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। डिज़ाइनिंग सोर्स एंड मटेरियल, डिज़ाइनिंग सोर्स एंड मटेरियल के अंदर यही चीज़ें आती हैं। ऑब्वियसली नाम से पता चलता है कि आपका डिज़ाइन, जो आपके मटेरियल्स होते हैं उनके सोर्स क्या क्या होते हैं, और वो कैसे कैसे डिज़ाइंस में आपके मटेरियल्स काम आते हैं, कौन सा मटेरियल कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कितनी उसकी ग्लॉसीनेस होनी चाहिए, कितना वो मैट फिनिश पे होना चाहिए, या फिर कौन सा कलर, कौन सा फैब्रिक, कौन सी अपोल्स्ट्री, कौन सी टाइल, कौन सा लैमिनेट कहाँ पर जाएगा, तो ये वाली चीज़ें, और वो कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके एक्चुअल रेट क्या चल रहे हैं मार्केट में, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आप लोगों को पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताया जाएगा। इसके बाद आते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिज़ाइंस। अब देखिए एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों ही चीज़ें बनाना बहुत कमाल की चीज़ें होती हैं। घर एक ऐसी चीज़ है जो हमारा रोज का काम है, हम रहते हैं उस जगह में, उसके बाद भी हमको उस चीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्पेस डिज़ाइन करना और कमर्शियल स्पेस डिज़ाइन करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, दोनों के तरीके बहुत अलग होते हैं। तो रेजिडेंशियल के अंदर आपका मतलब एक बेडरूम से लेकर, एक वॉशरूम से लेकर, एक स्टोर रूम से लेकर हर चीज़ की डिज़ाइनिंग डिटेल्स बताई जाएगी। कमर्शियल के अंदर आपका चाहे वो रिटेल स्टोर हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ऑफिस हो, चाहे आपका लॉ ऑफिस हो, चाहे आपके रेस्टोरेंट्स हो, चाहे शोरूम्स हो, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जब आप एक घर डिज़ाइन करते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जब कोई आप कमर्शियल स्पेस डिज़ाइन करते हैं, डूज और डोंट्स जो भी होते हैं, किस टाइप का फर्नीचर आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप की लैम्प्स आप कहाँ पर यूज़ करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कि ज़रूरी नहीं है कि एक सोफ़ा लगा दिया उसके ऊपर आपने कुशन्स रख दिए हैं, एक आर्म चेयर लगा दी, आपने एक छोटा सा एक टेबल लगा दिया तो वो आपका लिविंग रूम बन गया। लिविंग रूम को लिविंग रूम बनाने के लिए कलर कॉम्बिनेशन, लाइट्स, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, तो उन चीज़ की बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पता होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक एक इंटीरियर डिज़ाइनर की लाइन में। लैंडस्केप डिज़ाइनिंग, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन लोगों ने अपने घर में प्लांटेशन स्टार्ट करे हैं, अपने रूफ टॉप टेरेस बनाना स्टार्ट करा है लोगों ने, छोटी छोटी गार्डनिंग स्टार्ट करी है, तो लैंडस्केप डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होती है आपके घर के लिए। और स्पेशली आपने देखा होगा कि जितने भी कमर्शियल स्पेस होते हैं उनमें लैंडस्केपिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे वो हॉस्पिटल का एक्सटीरियर हो, चाहे आपके रेस्टोरेंट का एक्सटीरियर हो, चाहे आपके स्कूल या कॉलेजेस का एक्सटीरियर हो, आप देखिएगा उसमें लैंडस्केप का बहुत ज़्यादा काम होता है। और लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में काफ़ी मज़ा आता है करने में, जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में भी हम लोग बताते हैं, और कैसे आप कौन से प्लांट को कहाँ रख सकते हैं, इंडोर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो आपकी एयर प्योरीफाई करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एनवायरनमेंट को बनाए रखते हैं, उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल्स होंगी।
इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स। हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर 2 से 3 सॉफ्टवेयर हम लोगों को करेंगे। वीरे हमारा 3ds Max के साथ हम मर्ज करते हैं, इसलिए हम 2 सॉफ्टवेयर बता रही हूँ। तो ऑटो कैड डिटेल ड्राइंग्स के लिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि डिटेल ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंटीरियर में डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वी स्टार्ट विद ऑटो कैड। जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सारी की सारी हम लोग ऑटो कैड पे ही काम करेंगे, क्योंकि शीट वर्क का ज़माना नहीं है अब। हम लोगों ने जब पढ़ाई करी थी तो हम शीट्स पे काम करते थे, और उस टाइम पे भी हमको लगता था कि जब आने वाला टाइम ऑटो कैड का है तो हम शीट पे क्यों काम कर रहे हैं, लेकिन शीट वर्क भी अपने आप में एक बहुत अमेजिंग चीज़ थी। मैंने बहुत इंजॉय किया उन शीट वर्क्स को। बट प्रोफेशनल लाइन में ऑटो कैड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कहीं पर भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहले लोग आपसे यही पूछेंगे कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं। तो ऑटो कैड और 3ds Max एंड वीरे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके डिज़ाइनर्स की लाइन में। तो जो भी चीज़ आप ऑटो कैड में बनाते हो उसको हम 3ds Max में एक्सप्लोर करते हैं। जो भी चीज़ें जैसी भी बनेगी, 3ds Max आपका हर चीज़ को एग्जीक्यूट करने के काम आएगा। जो भी चीज़ जैसी दिखनी है, जैसे दिखानी है, क्लाइंट को दिखानी है, कुछ भी करना है, तो वो सारा का सारा काम आपका ऑटो कैड में होता है, मतलब मैक्स में ही होता है। ऑटो कैड आप के लिए है सिर्फ इस चीज़ में कि आप उस ड्राइंग की कितनी डिटेल्स दे सकते हैं, क्योंकि आपके जो को वर्कर्स होते हैं, लाइक आपके लेबर्स हो गए, आपका कारपेंटर हो गया, आपका सीलिंग डिज़ाइनर हो गया, वो सारे के सारे आपके 2D की ड्राइंग्स पे काम करते हैं। बट क्लाइंट को आपको 3D की ड्राइंग्स दिखानी पड़ती है, क्योंकि उनको विजुलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि आपका घर कैसा दिखने वाला है या आपका स्पेस कैसा दिखने वाला है आफ्टर वर्कआउट। पोर्टफोलियो डिज़ाइन ऑल ओवर दिस, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपके कोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, और कोर्स ख़त्म होने के साथ साथ मैं बहुत होप करूँगी कि कोर्स के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो डिज़ाइन होते जाएँ, साथ के साथ हम लोग सारी चीज़ें डिज़ाइन करते जाए। एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द सेशन आपके हाथ में आपका पोर्टफोलियो हो, एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसको लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट से किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा पाएँ और वहाँ आप अपनी जॉब ले पाएँ। एक्चुअली थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल। तो आपने देखा क्या क्या कोर्स हम यहाँ पे, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा जो हम इंक्लूड कर रहे हैं। आपको इस कोर्स से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको हर एक चीज, कलर बैलेंस क्या होता है, कलर्स कैसे कैसे हम यूज करते हैं, लाइट के बारे में आपको पता चलेगा, जो इंटीरियर की जो रूल्स होते हैं कि स्पेस प्लानिंग कैसे होती है, कहाँ पे क्या रखना है, कितने साइज में रखना है, और इससे रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड जो भी चीजें, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि अगर मेरा कोई बैकग्राउंड इंटीरियर से नहीं है तो मैं शायद इस कोर्स को नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। कोई स्टूडेंट अगर अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं, बीए कर रहे हैं, कोई और लाइन पे है और वो इस कोर्स में आना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, सभी अपने घर में एक डिजाइनर होता है। कोई भी अगर घर के इंटीरियर की बात आए तो इस लेवल पे बंदा कर ही लेता है कि बाहर से डिजाइनर ना बुलाना पड़े, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी पर्सन है जो इंटरेस्ट रखता है इंटीरियर डिजाइनिंग में या एक्सटीरियर डिजाइनिंग में, स्पेस प्लानिंग में, तो वो इस कोर्स को कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है। सिर्फ जरूरत है तो आपके क्रिएटिव होने की। जितना आप क्रिएटिव होगे उतना ही आप बहुत अच्छे से इस कोर्स को कर सकते हैं और आगे इस फील्ड में आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। सबसे मेन बात है इसके अंदर वो है क्रिएटिवनेस। क्रिएटिव होने के लिए आपको सबसे पहले तो चीजें सीखनी होंगी, उसके बाद एक्सपीरियंस लेना होगा, मार्केट सर्वे करना होगा, और क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या स्टेप रहेंगे, वो इस कोर्स में सब चीजें बताई जाएंगी जो आपको और भी आप इस फील्ड में आपको एनहांस करने में काम आएंगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली इस कोर्स में होने क्या वाला है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज इस कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आप एक इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में कंप्लीट बातें पढ़ पाए, तभी आपके सॉफ्टवेयर करने का फायदा है, तभी 3ds Max करने का फायदा है, और तभी आपको ऑटोकैड करने का फायदा है अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं। जब तक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में अपने फ्यूचर को, एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप नहीं कह सकते अपने फ्यूचर को। तो प्लीज ये आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी कोई 3 साल का डिप्लोमा करता है, 2 साल का डिप्लोमा करता है, तो वो सारी चीजें आपको इस 55 से 60 सेशन में सिखाई जाएंगी, और हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो सके आपको वो चीजें हम सिखाएं। तो
तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन करें, और डायरेक्टली आप अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं बिजी नहीं हुआ तो आई विल डेफिनेटली पिक योर फोन। ओके, प्लीज अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, वंदे मातरम।